तो हर हर महादेव फ्रेंड्स, आप लोग के सामने देख सकते हैं कि जो छोटा सा ब्रिज है वो पूरी तरीके से खाली है और कुछ ही लोग हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं और बीच का जो मिट्टी था वो हटा दिया जा चुका है अब। लेकिन धीरे धीरे गंगा जी का पानी भी कम हो रहा है। कहीं कहीं आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि मिट्टी भी नज़र आ रही है, यानी पूरी तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई शायद नहीं हुई है। कुछ मिट्टी का टीला दिखाई दे रहा है यहाँ से, और ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ऊपर ललिता घाट नेपाली मंदिर, और ये ललिता घाट का काम दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, देख सकते हैं पूरा ललिता घाट का नज़ारा। और इस साइड देख सकते हैं कितना वर्क हुआ है कितना नहीं हुआ है। अभी चलते हैं पास से दिखाते हैं आप सभी को। ये सभी देख सकते हैं लाइटें लग रही हैं, ये ऑन नहीं हुई है अभी, लेकिन जो यहाँ की रॉकेट लाइटें हैं वो ऑन हो गई हैं कल से। ये पूरा देख सकते हैं, ये मशीनें रखी गई हैं जो इस वर्क में उपयोग में लाई जा रही हैं। पूरा नज़ारा देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसा लग रहा है देखने में। इधर भी पत्थर लगाने का काम नहीं स्टार्ट हुआ है, यानी जहाँ पे ढलाई नहीं हुई है वहाँ पे पत्थर लगाने का काम स्टार्ट अभी नहीं हुआ है किन्हीं कारणों से। और यहाँ पे देखिए पत्थर लगने का काम स्टार्ट कर दिया गया है इस पूरी जगह, ये पूरे पत्थर लगा दिए जाएंगे। देख सकते हैं अभी ये पत्थर जो लाए गए थे चुनार से, और यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि कहाँ पे ले जाना है, क्या है, सब कुछ वेट वगैरह लिखा गया है यहाँ पे। तो ये वॉल कनेक्टिंग है पत्थर, पूरा एरिया देख सकते हैं। सभी जगह इन पत्थरों को लगाया जाएगा और काफ़ी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग बनाई गई है यहाँ पे। पूरा देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। जैसे जैसे पत्थर लग रहे हैं वैसे वैसे बाबा का यह कॉरिडोर बहुत ही सुंदर शानदार और खूबसूरत लग रहा है देखने में, कि मोदी जी ने सभी यहाँ के घाटों मंदिरों का पूरा नक्शा ही यूँ कहें तो बदल दिया है। और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, यहाँ की हर एक चीज़ हो या कोई भी चीज़ें हो, देखिए सीढ़ियाँ मंदिर घाट लगभग सभी चीज़ बदल रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे। देखिए पूरा ये सीढ़ियाँ हैं कॉरिडोर की, इधर से हम नहीं गए थे, उस साइड से हम आए थे, लेकिन अब इधर से ही जाएंगे। पूरा नज़ारा देख सकते हैं। Thank you.
यहाँ से जो आप सभी को ये मिट्टी दिखाई दे रहा है, मशीनें खड़ी दिखाई दे रही, यहाँ से ये हटाए जाएंगे। थोड़ा चलन तो ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। ये पांचों लाइटें ऑन हो गई हैं, अब रात के समय काफ़ी जगमग होती हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा दिखता है। और ये एलईडी लाइटें हैं और येलो जलती हैं, रॉकेट लाइट के नाम से जानी जाती हैं सब लाइट। काफ़ी मशक्क़त हुई है इन लाइटों को लाने में। और ये रैम का काम कहाँ तक पहुँचा, इधर लगभग पत्थर लगाने का काम पूरा हो गया, जैसे इधर लगा हुआ उसी साइड, उस साइड भी उसी तरह लगा हुआ पूरा। ये पूरा पत्थर देख सकते हैं, पूरा नज़ारा, पूरा पत्थर देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा फ्रेंड्स। कितना वर्क हुआ है कितना नहीं हुआ है सब कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे पत्थर देखिए कहाँ कहाँ लगा हुआ, ये जगह जगह स्पेस छोड़े गए हैं। और ये देखिए अंडरग्राउंड यहाँ की पूरी लाइन, और ये है पूरा रैम, रैम से नीचे का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। ये रैम के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ और यहाँ से देखिए पूरा नज़ारा। मोटे मोटे छड़े यहाँ पे लगाई गई हैं, यानी अंदर बहुत से काम बाकी हैं, सीढ़ियाँ बनाने के, लिफ्ट बनाने के और बड़े बड़े खंभे बनाने के बहुत से काम बाकी हैं यहाँ पे। देखिए पूरा बाकी है अभी इधर सब कुछ, पत्थर लगने के काम तो हो गए लेकिन अभी भी बहुत से काम बाकी हैं साइड। ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे, रैम का कितना काम हुआ है, ये यहाँ सीढ़ियाँ लगनी बाकी हैं देख सकते हैं।
ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे लकड़ियों का गट्ठा देख सकते हैं, यही यूज होते हैं शव को जलाने के लिए। कड़का घाट है पूरा, ये यहाँ से गेट नंबर 4 पे जा सकते हैं। यहाँ से चलेंगे, ये लकड़ियों का गट्ठा देख सकते हैं पूरा, ये पूरा मणिकर्णिका घाट का नज़ारा है। करिया चाय मम्मी टोटल 5 बजे बड़ी वाली। अरे प्रभु, शाम से 5-6 बजे पूरा हो। मणिकर्णिका कुंड है ये, और यहाँ पे काशी करवट। अगर आप सभी को इस मंदिर का ही बस वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिए, मैं सभी के लिए केवल इसी मंदिर का वीडियो बना के सभी को दूंगा और पूरी जानकारी भी दूंगा। चलिए चलते हैं आगे। ये सब पुरोहितों के लिए स्पेस है जहाँ पे विधि विधान से सब कुछ किया जाता है, पूजा पाठ। जो फॉरेन से आए हैं या फिर दक्षिण भारत से आए हैं या फिर अपने ही कंट्री से, अपने प्रदेश से आए हुए हैं, तो क्रियाकर्म विधि विधान से करने के लिए सब जगह छोड़ी गई हैं। ये भी काफ़ी नामी मंदिर है जो काशी करवट के पास ही है। इसमें भी 108 शिवलिंग शायद है इसमें। जब बाढ़ आता है गंगा जी में तो ये सभी चीज़ें डूब जाती हैं। सिंधिया घाट इधर से भी ऊपर जा सकते हैं रोड की तरफ। हाँ